यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने धर्मशाला में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद सरवीन चौधरी ने कहा कि विभाग को आदेश दिए जाएंगे कि स्मार्ट सिटी में परिवहन सुविधा के लिए जो इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है वो बसें खूबसूरत और छोटी होनी चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सरवीन चौधरी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से वो निभाएंगे। हम सभी पार्टियों के पहरेदार और कार्यकर्ता हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जनता पार्टी के पहरेदार हैं और कार्यकर्ता हैं, और जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिशा में भी किसी को ले जाना चाहेंगे, चाहे वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ पे 4 सीटें हैं, जो आदेश देंगे उसके भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं पूरे प्रदेश के लोग जो हैं उनके पीछे चलेंगे, और सीट जो चारों की चारों हैं वो भाजपा के पक्ष में होंगी, क्योंकि लोगों ने सरकार में भी काम करवाया, बहुत सारे काम केंद्र सरकार ने स्कीम शुरू की है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के और प्रदेश सरकार के अच्छे कामों को देखकर सभी जो प्रदेशवासी हैं भाजपा के पक्ष में चलेंगे, और हम अपने प्रदेश की बातें रखेंगे।